नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थारेस्टर एंड एसईआर के क्लास डी कम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जो क्लास डी कम्यूटेशन है, इसको हम इंपल्स कम्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने इंपल्स कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन की चर्चा किया था। स्वाभाविक है, इंपल्स कम्यूटेशन उस कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन की तरह नहीं है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन में बच्चों दो थारेस्टर एक दूसरे के पैरेलल में लगे थे, जो एक दूसरे को फोर्सली टर्न ऑफ कर रहे थे। यहाँ जो मेरा मेन फोर्सिंग यानी टर्न ऑफ का जो एलिमेंट है, दैट इज कम्यूटेटिंग एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो आइए बच्चों, इस क्लास डी कम्यूटेशन के सर्किटरी अरेंजमेंट को सबसे पहले समझते हैं। मैंने सोर्स वोल्टेज यानी Vs का चुनाव किया, प्लस माइनस टर्मिनल लिया। बच्चों, मेरा मेन जो थारेस्टर है, दैट इज T1, इस मेन थारेस्टर का अक्रॉस वोल्टेज VT1 ले लिया। एनोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। बच्चों, मेरे पास चार और एलिमेंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। बस जो अदर कम्यूटेशन टेक्निक है, हो सकता है क्लास बी कम्यूटेशन जैसा ये दिखता होगा, लेकिन उसमें अरेंजमेंट में डिफरेंट है। उसके कंस्ट्रेंट्स को मैंने ओवरकम करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां डायोड इस पोजीशन पे कनेक्टेड था, यहाँ डायोड को मैंने शिफ्ट किया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने कैपेसिटर, जो उसमें क्लास बी कम्यूटेशन में LC कैपेसिटर ऑक्सिलरी है, मेन थायरिस्टर के पैरेलल में कनेक्टेड था एज ए कम्यूटेटिंग एलिमेंट, यहाँ मैंने उनको अलग अलग कर दिया। जो मेरे कैपेसिटर है वो सी कैपेसिटर जो है, पहले VC वोल्टेज से चार्ज होता है, उसी तरीके से ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA है, D डायोड है, L इंडक्टर है, जो कि कम्यूटेटिंग एलिमेंट है। बच्चों, मैंने लोड लगा दिया, इस लोड के अक्रॉस करंट की वैल्यू I0 है। अब I0 कब कैपिटल I0 होगा, वी विल डिस्कस एंड कैलकुलेट। तो आइए बच्चों, इसके वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग को मैंने सिंपल स्टेप्स में आपके लिए कन्वर्ट किया है। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे, जहां मैं T1 और TA को अभी ऑफ कर रहा हूं, फायरिंग मान के नहीं कर रहा हूं। तो जो कैपेसिटर होगा, सबसे पहले अपने आप को चार्ज करेगा बच्चों, और वो कैपेसिटर चार्ज करेगा सोर्स वोल्टेज के बराबर। तो यहाँ VC जो होगा वो VS के बराबर हो जाएगा, मींस मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज है। अभी इसके थ्रू कोई सर्किटरी, ये डिवाइस भी अभी रिवर्स बायस में रहेगा, TA भी ऑफ है और ये भी ऑफ है। तो इस तरीके से मेरा सर्किट ऑन हो जाएगा जब सर्किट पूरा हो रहा है, करंट कंडक्शन चल रहा है इस डायोड के थ्रू। अब स्टेप नंबर 2 की बात कर रहे हैं बच्चों, एट T=0 पे मैंने T1 यानी मेन थायरिस्टर को ऑन कर लिया। जैसे ही मैंने मेन थायरिस्टर को ऑन किया बच्चों, बहुत ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में मेरा कंडक्शन यानी डिवाइस का जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो लोड करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू I0, यानी स्मॉल I0 की वैल्यू मैं कैपिटल I0 मान लेता हूँ। अगले स्टेप में बच्चों, मैं एट T=T1 पे ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन कर रहा हूँ, जो कि आगे चल के मेरे मेन थायरिस्टर के टर्न ऑफ में मदद करेगा। तो मैंने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन किया, और वोल्टेज अक्रॉस जो TA होगा बच्चों वो चेंज हो जाए, यानी जो वोल्टेज अक्रॉस जो मेन थायरिस्टर होगा T1, वो चेंज हो जाएगा इसके ऑन होते ही, क्योंकि उस कंडीशन में कैपेसिटर इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाएगा और वोल्टेज हो जाएगा नेगेटिव, यानी जो प्लस माइनस टेन था उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी डिस्चार्जिंग की कंडीशन में, क्योंकि अभी तक थायरिस्टर ने अपने आप को चार्ज किया था बच्चों, अब थायरिस्टर अपने आप को डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से बच्चों, मेरा स्टेप नंबर 3 पूरा होने के बाद ही मेरा थायरिस्टर जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन था, उसकी वजह से जो मेरा कैपेसिटर था कम्यूटेटिंग एलिमेंट, वो फोर्सली मेरे मेन थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने की कोशिश करेगा, और उसी में मेरा इंडक्टर का भी रोल होगा, साथ में डायोड का भी सर्किट कंप्लीट करने के लिए रोल होगा। मैं अगर कैपेसिटर में चार्जिंग करंट, नॉर्मली हमसे पूछा जाता है चार्जिंग करंट कैलकुलेट करने की बात करें, तो इट इज इक्वल टू VS√C/L sin ω0t। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे ही मेरा ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन हो रहा है, वो मेरे मेन थायरिस्टर को ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो क्लास डी कम्यूटेशन है, वो क्लास बी कम्यूटेशन के सर्किट के जैसा भले ही दिखता हो, पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्वाभाविक अलग है, एज वेल एज ये बेटर कम्यूटेटिंग एलिमेंट है, ये बेटर तरीके से मेरे मेन थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।